मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल। लखनऊ में इतनी बारिश हुई कि पानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर घुस गया। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं और तस्वीरें आप देखिए कि कैसे विधानसभा परिसर से लेकर सदन के पिछले हिस्से में पानी जमा हो गया। इतनी बारिश वहां पर हुई थी, पानी इतना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। विधानसभा गेट नंबर 7 पर पानी भरने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गेट नंबर 1 से बाहर निकलना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए कैसे पानी ने सब कुछ ठप कर दिया, पूरे लखनऊ में भी और विधानसभा में भी कैसे पानी घुसा, जिसकी वजह से वहां लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ पानी की वजह से किस कदर परेशानी हुई है। झमाझम बारिश हुई, इस तेज बरसात ने कैसे लखनऊ वालों के जीवन को अस्त व्यस्त तो किया ही, लेकिन विधानसभा में भी जब पानी भरा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बाहर निकलने का रास्ता बदलना पड़ा। अमूमन गेट नंबर 7 से मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं, लेकिन उस एरिया में, गेट नंबर 7 के एरिया में इतना पानी भरा हुआ था कि वहां से निकला नहीं जा सकता था। इसलिए योगी आदित्यनाथ फिर गेट नंबर 1 से उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ योगी आदित्यनाथ भी बाहर निकले। और आप देखिए पहली तस्वीर कैसे विधानसभा के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो विधानसभा के कर्मचारी हैं ऐसे बड़े बड़े वाइपर लेकर पानी को बाहर निकालने की जुगत में लगे रहे। पूरे दिन आज यही प्रैक्टिस, यही कोशिश चलती रही कि पानी को विधानसभा से बाहर निकाला जाए। लखनऊ से मेरे सहयोगी रवि कुमार की रिपोर्ट आप देखिए जरूर। सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है। कुछ ही देर पहले बारिश हुई है और अगर हम बात करें तो लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, उस बारिश से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस कदर बारिश हुई है, उस बारिश का जो पानी है वो इस वक्त विधानसभा का ये अंदर का परिसर है और यहाँ पर देख सकते हैं ये सीढ़ियां हैं जिससे ऊपर विधानसभा में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर पानी भर चुका है। हालांकि पानी इतना जरूर है कि जिससे आपके जूते हैं वो जरूर भीग जाएंगे, पानी है वो इस पूरे जगह पर भर चुका है और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें इस पानी में से हो गया आना जाना पड़ रहा है। और ये वो जगह है जहाँ से सभी माननीयों का आना जाना होता है, ये वो जगह है जहाँ पर माननीयों का आना जाना होता है, ये वो जगह है जहाँ पर पानी भर चुका है। अब ये देख सकते हैं ये वो सभी ऑफिस है, यहाँ पर पानी नजर आ रहा है, लोग हैं वो किस तरीके से इस बारिश से जो पानी जलभराव हो चुका है वो ये पूरा जलभराव विधानसभा के अंदर तक नजर आ रहा है, पानी नजर आ रहा है और इसी पानी से होकर ही लोगों को अब बाहर निकलना हो रहा है। अब आपको हम पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं, ये वो तस्वीरें थी जो इस ऑफिस के अंदर, ये हेल्थ एटीएम सेंटर लिखा हुआ है और ये पूरा कार्यालय है, नीचे का है, हालांकि ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ पर पानी है वो अंदर आ चुका है और कुछ ही देर की जो बारिश हुई उस बारिश से ये हालात पैदा हुए है। उसके बाद हम आपको और आगे लेके चलते है, ये आप उसी तरफ देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ये वो सुरक्षा कर्मी है जो इस पानी से बचने के लिए ऊपर चढ़ चुके हैं, शायद इनको इंतजार है कि बारिश का पानी जब यहाँ से हटेगा तब ये लोग बाहर निकलेंगे। अब आपको और आगे लेके चलते हैं, ये वो सारी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी से होकर लोगों को जाना पड़ रहा है। ये विधानसभा के अंदर की तरफ, यानी कि ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के पास में ये पानी है वो अंदर फर्श पर भर चुका है और इसी फर्श से लोगों का आवागमन होता है और ये वो रास्ता है, ये फायर एग्जिट पॉइंट है जहाँ पर भी ये पानी है वो नजर आ रहा है। अब आप ये आगे तस्वीरें के माध्यम से देखिए, ये वो मेन रास्ता है जहाँ से माननीयों का आना जाना होता है और अभी यहाँ पे चूंकि पानी अंदर आ चुका है, इस पानी की वजह से लोगों को जो भी उनके जूते हैं, स्लीपर है, उसको पहनकर लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, पानी से होकर ही इनको यहाँ से जाना हो रहा है। हालांकि बारिश के पहले ही दावे किए गए थे कि जो बारिश का पानी है वो उसे लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जाए, नालों की सफाई हो जाए, पानी कहीं भी जमा हो, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बारिश हुई है उस बारिश से जो पानी है वो विधानसभा के अंदर का जो इलाका है, ये जो पूरा एरिया है वहाँ पर पानी भर चुका है। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस कदर बारिश हुई है और इस बारिश का जो पानी है वो विधानसभा के जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर फर्श भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो लोगों का आवागमन विधानसभा के इस पूरे क्षेत्र में होता उनको बारिश के पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। फिलहाल पानी अभी यहाँ भरा हुआ, देखना होगा कि इस बारिश के पानी को यहाँ से हटाने की कोई व्यवस्था की जाती है, कहीं ना कहीं जो भी लोगों का आवागमन हो रहा इस बारिश के पानी की वजह से उनको दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। इधर लखनऊ में बारिश के बीच कुछ लोग बाइक सवार कपल्स के साथ बदतमीजी करते हुए भी नजर आए। बरसात में मस्ती की आड़ में लड़कों ने जमकर उत्पात मचाया और हद तो तब हो गई जब उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उन्हें पानी समेत गाड़ी समेत पानी में गिरा दिया और फिर उन पर फप्तियां कसने लगी। बारिश के बीच गोमती नगर में ताज होटल के पास ओवरब्रिज के नीचे पानी जमा हो गया था। बारिश में इस पानी में कई लड़के मस्ती कर रहे थे,
इन्होंने लोगों पर पानी उछालना शुरू कर दिया। वो लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे उनके साथ बदतमीजी करने लगे। बाइक सवार कई लोग उनसे बचने की कोशिश में कमर तक पानी में गिरते गिरते बचे। तस्वीरें आप देखते रहिए, आपको इल्म हो जाएगा कि क्या कर रहे थे ये लोग वहाँ पर। कुछ बाइक सवारों के साथ महिलाएं भी थीं, लेकिन उनका भी इन लड़कों ने लिहाज नहीं किया। पानी फेंकने के साथ ही युवकों ने, जो महिलाएं पानी में गिर गई थी, उन पर फप्तियां भी कसी। युवकों ने महिलाओं को छूने का, उनके साथ बदतमीजी करने का भी प्रयास किया। देखिए, ये तस्वीरें हैं लखनऊ की, गोमती नगर इलाके में किस तरीके से बदतमीजी वहाँ पर की गई। लखनऊ में ज़बरदस्त पानी बरसा है और उसके चलते लखनऊ के कई इलाके ऐसे हैं जो ऐसे ही जलमग्न हो गए थे। सड़क से कुछ लोग गुजर रहे थे, बाइक पे गुजर रहे थे, साथ में महिलाएं भी थी, लेकिन कुछ युवकों की टोली वहाँ बदतमीजी करते हुए नज़र। आप देखिए कैसे बीच सड़क से ये बाइक पर एक कपल गुजर रहा था, तो इन लड़कों ने लगभग उन्हें घेर लिया पूरी तरीके से, और कैसे जो ज़मीन का गंदा पानी है वो इस बाइक सवार पुरुष और महिला पर उछालने लगे। यहाँ कई बार ऐसा भी हुआ कि बाइक सवार लोग गिर गए, उसके बावजूद इन लोगों ने बदतमीजी करना जारी रखा। महिलाओं पर अश्लील कमेंट्स ये लोग कर रहे थे। जब इनकी इस हरकत से जो महिलाएं बाइक से गुजर रही थी वो पानी में गिरी, तो उनको छूने का, उनके साथ बदतमीजी करने का भी प्रयास इन लोगों ने किया। और इससे पहले गोमती नगर में लोग सड़क को स्विमिंग पूल समझकर नहाने लगे। कुछ देर की बारिश में शहर इतना जलमग्न हो गया, हैदर नाला उफान पर दिखा और कार और टू व्हीलर चालक पानी में फंसे हुए नजर आए। स्कूली बच्चे भी जलभराव की वजह से पानी के बीच से ही गुजरने को मजबूर दिखे हैं। ये देखिए गोमती नगर की तस्वीर है। इस गाड़ी के चारों टायर डूबे हुए हैं, आगे का बोनट तक लगभग पानी आ गया है, बोनट के लेवल तक। और इसी हालात में लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ रहा था, क्योंकि निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से लोग परेशान रहे। अब क्योंकि एक वर्किंग डे था, कार चालक, कई बाइक चालक अपने अपने ऑफिसेज जाने के लिए घरों से निकले थे, लेकिन इस तरीके से इस पानी का सामना उनको करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नहर, कोई नदी सड़क पर उतर आई हो और उस नदी को चीर कर ये लोग आगे बढ़ते हुए दिखे। इस दौरान कई लोगों की गाड़ियां ख़राब हुई, कई बाइक सवार परेशान दिखे। अमूमन पूरे लखनऊ में आज की बरसात के बाद ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से सामने आई है, जहाँ पर लोग परेशान होते रहे। और अब आपको राजधानी लखनऊ के नगर निगम की हालत मैं दिखाता हूँ। लखनऊ की साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम के हाथों में रहती है, लेकिन नगर निगम के कार्यालय में ही पानी भरा हुआ दिखा, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। यानी कि जिनके पास जिम्मेदारी थी कि वो शहर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, पानी की निकासी सही से हो, इस बात का ध्यान रखें, वो नगर निगम खुद ही पानी में आज डूबा हुआ नजर आया। ये कोई बाहर की सड़क की तस्वीर नहीं है जिसको आप देख रहे हैं, ये नगर निगम के अंदर ऑफिस की तस्वीर है। और देखिए कैसे पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, यानी कि निगम में ही निकासी की व्यवस्था नहीं थी। और इस तेज़ बरसात ने, एक बरसात ने लखनऊ में क्या सफाई व्यवस्था है, क्या सीवेज की व्यवस्था है, उसकी पोल खोल कर रखी। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो नगर निगम जो खुद के ऑफिस की साफ सफाई नहीं कर सकता, वहाँ की सीवेज व्यवस्था नहीं कर सकता, वो शहर की, राजधानी की सीवेज व्यवस्था को क्या संभालेगा। रवि कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। भले ही लखनऊ वासियों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली हो, लेकिन कुछ देर की जो बारिश हुई, उस बारिश ने किस तरह का असर छोड़ा है, हम लखनऊ के माल एवेन्यू इलाके में मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भर चुका है। लोग छाते से बारिश से बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन इस बारिश की वजह से जो घुटने घुटने तक पानी हो चुका है, उस पानी की तस्वीर देख सकते हैं। ये दुकान पर बैठे हुए लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं पानी हटेगा तो ये दुकान से बाहर निकलेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ये कार्यालय है, जो कि माल एवेन्यू इलाके में मौजूद है। अब यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, पानी पूरा अंदर लबालब भर चुका है और इस पानी के साथ तस्वीर वो गाड़ी खड़ी नजर आ रही है और गाड़ी आधी डूब चुकी है। यानी कि बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो पानी है वो किस तरह से भरा हुआ है। और ये पूरा कार्यालय है, ये पूरा ही कार्यालय है वो बारिश से सराबोर हो चुका है। यानी पानी से पूरा कार्यालय है, यानी कि पूरा परिसर है वो पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। अब आपको और दिखाते हैं, यहाँ पर एक बाइक नजर आ रही है, जो बाइक करीब करीब पूरी डूब चुकी है। यानी कि जो जल भराव है वो किस तरह से हुआ है और इस जल भराव की वजह से जो परेशानियां है वो सामने नजर आ रही है। अब आपको हम और आगे आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो बाइक है वो डूबी हुई है, लोग है वो घुटने भर से पानी है वो ज्यादा हो चुका है। ये वो पानी है, ये वो रास्ता है और इसके पीछे आप देखिए वो सामने रास्ता है। यानी कि पानी जल भराव है वो नजर आ रहा है, लोग है वो उस पानी से होकर जाने को मजबूर है क्योंकि पानी वो सड़क पे भर चुका है। कुछ
कुछ जगहों पर पानी ज्यादा, कुछ जगहों पर कम है, लेकिन ये नगर निगम के पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं कि नगर निगम के जो दावे थे कि जल भराव होने नहीं दिया जाएगा, नाले और नालियों की पूरी साफ सफाई रहेगी, लेकिन जल भराव है, पानी की निकासी ना होने की वजह से साफ होती है, बताती है तस्वीरें कि किस तरह से जो जल भराव है वो हो चुका है इस बारिश के साथ में। फिलहाल ये माल एवेन लागे की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि जल भराव की वजह से जो लोग हैं वो इस पानी में से होके जाने के लिए मजबूर हैं, और जल भराव की वजह से जो तस्वीरें हैं वो सामने है, जो बता रही किस तरह से जो कुछ ही देर की जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से जल भराव हुआ है वो तस्वीरें सामने बता दी है कि नगर निगम ने किस तरीके से मेहनत की थी और जिसकी वजह से जल भराव है वो देखने को मिला। राजेंद्र के साथ रवि कुमार।